हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च। सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। ये जो टॉपिक है हमारा, ये MCO 1 से रिलेटेड, MCO 3 से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आपसे एग्जामिनेशन में ये पक्का पूछा जा सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि ढेर सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, बेल आइकन दबा दो। और बेल आइकन दबाना मत बोलना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो तुम्हें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेल आइकन भी दबाते चलो साथ ही साथ। ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च, बिजनेस रिसर्च में कौन कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो कि फेस करनी पड़ती हैं, है ना। सो इन इंडिया रिसर्च इन जनरल एंड बिजनेस एंड रिसर्चर्स इन द पर्टिकुलर आर फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं। दिस इज ऑल मोर ट्रू इन द केस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर एज फॉलो। सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है, द लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन आर कंट्री। देखो, हमारी कंट्री में लोग रिसर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च की जो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है वो लोगों के पास नहीं होती है। तो विदाउट ट्रेनिंग अगर आप रिसर्च करने जाओगे, आपका कोर्स वर्क अगर कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपने सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं करी होगी, तो आप रिसर्च के घंटा करोगे तो आपको दिक्कत होगी ना उस चीज में। तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि साइंटिफिक ट्रेनिंग जो है लोगों की, वो उस तरीके की नहीं रहती है कि वो लोग रिसर्च जो है ठीक तरीके से कर सके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही है कि लोगों की जो ट्रेनिंग है, जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ही कम होती है। मेनी रिसर्च टेक अ लीप इन द डार्क विदाउट हैविंग अ ग्रिप ओवर रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। तो बहुत सारे लोग लाइक रिसर्च करने कूद पड़ते हैं जबकि उनको जो है ठीक तरीके से उनकी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होती है और उनको ठीक तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी का आइडिया भी नहीं होता है। सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इन बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नेसेसिटी, है ना। तो बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती है उसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग ही महत्व है, उसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अभी के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है देख लेते हैं। देयर इज अ पॉसिटी ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स एंड रिसर्च सुपरवाइजर्स। एज अ रिजल्ट द रिसर्च रिजल्ट्स मेनी अ टाइम डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी, है ना। तो जो हमारे यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स हैं या रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, उनकी पॉसिटी, उनका जो जो एक्सपीरियंस है, या फिर वो बहुत ही अच्छे दर्जे के आप नहीं बोल सकते हो कि वो हैं, जिसके कारण से जो रिजल्ट आते हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं आते हैं, जो रियलिटी है वो ठीक तरीके से वो शो नहीं करती है। तो एक पॉसिटी है हमारे कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स में, रिसर्चर्स ही उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, रिसर्च सुपरवाइजर जो भी होते हैं वो भी एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चीजों को अपने नहीं करते, जिसके कारण से जो रिजल्ट आते हैं वो भी बहुत बारी जो है रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि ये मैं कुछ एक चुनिंदा लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन ऐसा जो है इन जनरल देखा जाता है। चुनिंदा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे लोग ही वैसे हैं, बहुत सारे लोगों में, लेकिन ये एक तरीके से पाया जाता है कि जो रिसर्चर्स हैं वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, या जो रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं, लोगों को डिफरेंट कुछ करने ही नहीं देते, इस तरह की चीजें जो होती हैं जिसके कारण से जो रिजल्ट आता है उसमें हमारी रियलिटी नजर नहीं आती है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, मेनी ऑफ द मेनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रिसर्च कॉन्शियस एंड फील दैट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डज नॉट इनकरेज रिसर्च। तो बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है कि जो रिसर्च होता है वो एक तरीके से बेकार होता है, उसके ऊपर पैसे लगा करके, उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करके, पैसे वेस्ट करके किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो किसी भी तरह का रिसोर्सेज, चाहे वो मॉनेटरी वाइज हो या किसी भी तरीके का रिसोर्सेज, वो खर्च नहीं करना चाहते और इनकरेज को इसी कारण से वो जो है रिसर्च को ज्यादा वो इनकरेज नहीं करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, एक डिफिकल्टी है हमारे बिजनेस रिसर्च में। राइट, चौथा प्रॉब्लम देख लेते हैं, द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बिकम अ कॉमन फीचर इन मेनी मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह पे जो है रिसर्च डिपार्टमेंट बहुत ही कॉमन हो गया है। बट लेकिन डिसीजन मेकर्स डू नॉट अपीयर टू बी वेरी कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ देयर R&D डिपार्टमेंट्स। लेकिन जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो ठीक तरीके से जो R&D डिपार्टमेंट्स होती हैं उनकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, या उसके ऊपर एक तरीके से उतना विश्वास नहीं दिखाते हैं।
डिसीजन मेकर डू नॉट अपीयर टू बी वेरी कीन, वो बहुत ज्यादा कीन नहीं है अपने काम को लेकर के, उस काम को लेकर के कि जो भी फाइंडिंग्स निकल करके आई हैं उसको वो आरएनडी डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करें, है ना। इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। सपोज मैंने रिसर्च करके कुछ पता लगाया कि ये चीज पे अगर हम कम खर्चे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी वो ज्यादा बढ़ सकती है, हमने ये बात जो है शेयर करी अपने डिपार्टमेंट के साथ, बट आरएनडी डिपार्टमेंट में उस चीज को अप्लाई नहीं किया गया, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप अगर अप्लाई नहीं करोगे तो जो रिजल्ट आया है वो कैसे चेक करोगे कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिसर्च आपका ठीक है कि नहीं है, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो होती है। पांचवा नंबर पॉइंट, एट द सेम टाइम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर द मेजॉरिटी इन आर कंपनी आर नॉट एबल टू अफोर्ड आर एंड डी डिपार्टमेंट एट ऑल, है ना। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, देखो उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो रिसर्च उनके लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, और आरएनडी डिपार्टमेंट एक खोलना जहाँ पे वो पैसे खर्च करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें वो तो और भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में इस चीज की बहुत ही ज्यादा कमी है, लोग जो है इसमें बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करना चाहते, है ना। इवन एंगेजिंग अ कंसल्टेंट सीम्स टू बी वेरी कॉस्टली फॉर देम, इवन वो सोचते हैं कि अगर किसी कंसल्टेंट को भी रख लेंगे तो उनका जो खर्चा है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा इसके ऊपर, इसलिए वो लोग उस चीज को भी अफोर्ड नहीं करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ रिसर्च टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और इसी कारण से वो लोग जो है किसी भी तरह का रिसर्च का हेल्प नहीं लेते किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो बड़ा कैसे हो पाएगा, है ना। तो रिसर्च के ऊपर आप देख लेना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं कि जिनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत तेजी से ग्रो कर पाती है, राइट। तो ग्रो करने के लिए भी जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बट हमारे इंडिया में इस चीज को एक तरीके से नकार दिया जाता है, लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, राइट। छठा पॉइंट कर लेते हैं जो कि है, छठा पॉइंट है, मेनी पीपल लार्जली डिपेंड्स ऑन कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड रूटीन प्रैक्टिसेस इन देयर डिसीजन मेकिंग एज दे फील दैट रिसर्च डज नॉट हैव एनी यूजफुल पर्पस टू सर्व इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस, है ना। तो बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया में जो कि कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड रूटीन जो कि पहले समय से चलती आई है उन्हीं को मान करके अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत धारणा है, एक गलत तरीका है बिजनेस को चलाने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिसर्च जो है वो किसी तरीके से किसी भी तरह का वो जो है यूजफुल नहीं हो पाता हमारे मैनेजमेंट के लिए जो कि हम बिजनेस में कर रहे होते हैं। तो इसके कारण से जो पुराने चीजें, जो पुराने कस्टम, पुराने ट्रेडिशन, पुराने रूटीन चलते आए हैं वो उसी को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही काम को करते हैं, ठीक है। सातवां नंबर पॉइंट देख लेते हैं जो कि है, देयर आर इनसफिशिएंट इंटरेक्शंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनसफिशिएंट इंटरेक्शन है, डेफिनेटली ये तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन के पहले बारे में भी मैंने आपको बताया था, जब मैं बीकॉम पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया होगा कि कम्युनिकेशन गैप जो है लोगों के बीच में है, लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा, है ना। तो एक इनसफिशिएंट इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटीज के बीच में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, या फिर जो डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सबके आपस में एक तरीके से जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इनसफिशिएंट है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो काम है वो ठीक तरीके से हो सके, राइट। देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू डेवलप यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन सो दैट बोथ कैन बेनिफिट, दैट इज द एकेडमिक्स कैन गेट आइडियाज फ्रॉम द प्रिकॉशन प्रैक्टिशनर्स on what needs to be researched upon and practitioners can apply the research result of the academics, है ना। तो अगर ये सारी चीजें की जाएंगी तो यहाँ पे दोनों लोगों को बेनिफिट हो पाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेसेस के साथ, जो भी बिजनेसेस उनके साथ काम कर रही हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनके साथ काम कर रही है, अगर ये लोग आपस में साथ में अच्छे इंटरेक्शन के साथ अगर काम करेंगे तो इन दोनों को ही बेनिफिट होगा। एकेडमिक्स को भी फायदा होगा कि प्रैक्टिशनर्स क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या एक आउटकम निकल करके आ रहा है, वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने स्कूलिंग में, अपने एकेडमिक्स में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक इंटरेक्शन बेहतर तरीके का होना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना। आठवां नंबर पॉइंट कर लेते हैं, द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन इज सैक्रोसेनेट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री डू नॉट पार्ट विद द इंफॉर्मेशन टू रिसर्चर्स एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव द कल्चर ऑफ इनकरेजिंग रिसर्च, मेनी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड द डेटा। यहां पे जो बात बोली गई वो ये है कि जो बिजनेस की जो सीक्रेसी होती है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है जो रिसर्च करवाते भी हैं वो उसको पब्लिश नहीं होने देते, पब्लिक नहीं करते, जिसके कारण से जो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको उनको हेल्प नहीं मिल पाता। सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है और उनको पता है कि यहाँ पे वो फेल कर जाएंगे क्योंकि उनका रिसर्च डेटा उनको यही कहता है, तो वो उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये फर्ज बनता है कि वो अगर पब्लिक डोमेन में उस चीज को रखेंगे तो जो छोटी कंपनीज होंगी, जो कि सेम गलती करने वाली होगी,
जिसका रिजल्ट जो है एंड रिजल्ट खराब ही होता है, तो वो उस गलतियों को नहीं करेगी। तो यहाँ पे सीक्रेसी और बिजनेस के चक्कर में जो है लोग इन्फॉर्मेशन को छुपा लेते हैं, सैक्रोसेनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक तरीके से काम नहीं करते, इन सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका भी एक कल्चर है कि वो लोग जो है इनकरेज करते हैं रिसर्च को, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होती हैं अपने डेटा को लोगों तक प्रोवाइड कराने में, है ना। तो पब्लिक सेक्टर तो भाई गवर्नमेंट का होता है तो वो तो करेंगे, उनका काम है, उनका फर्ज है कंट्री के लोगों को हेल्प करना। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं करती हैं। नौवां नंबर पॉइंट है हमारा, इवन व्हेन रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन, इवन व्हेन रिसर्च स्टडीज आर अंडरटेकन मेनी अ टाइम देयर आर ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन डुप्लीकेशन बिकॉज देयर इज नो पेपर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, है ना। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि जो 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 भी रिसर्च एंड जो रिजल्ट आ रहा होता है, फिर जो भी उसको करने का जो तरीका होता है वो ओवरलैप करता है। हम क्या करते हैं, पुराने रिसर्चर्स जो भी रिसर्च हुए हैं उसके कॉपी को, एक तरीके से जो नोट्स हैं उसको हम कॉपी पेस्ट करके ओवरलैप कर देते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं। एक ऑर्गेनिक वे में आपको जो काम करने का एक मजा होता है, जो करना चाहिए एक्चुअली लोगों को, वो चीज वो नहीं कर पाते, जिसके कारण से डुप्लीकेशन होता है ना, डुप्लीकेशन होता है। और उसका कारण एक ये भी है कि यूनिवर्सिटीज के बीच में आपस में जो है एक तरीके का कोई समन्वय नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, जिसके कारण से लोग जो है इस तरह की चीजें करते हैं और एक ही चीज को बार बार ओवरलैप किया जाता है और जिसका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं निकलता और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है इस चीज के कारण। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। दसवां नंबर पॉइंट है वो कर लेते हैं, डिफिकल्टी ऑफ फंड्स। तो ये तो मेजर इशू है हमारे इंडिया में, रिसर्च के मामले में कोई भी पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इवन गवर्नमेंट भी धीरे धीरे रिसर्च के ऊपर जो भी खर्चे करने चाहिए उसमें बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, मतलब ये सही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो डिफिकल्टी ऑफ फंड्स तो एक बहुत ही मेजर इशू है हमारे इंडिया में जब भी रिसर्च की बात की जाएगी, है ना। बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मेनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट डू नॉट कम फॉरवर्ड टू अंडरटेक रिसर्च, है ना। तो ये जो रिसर्च जो पैसों की जो कमी होती है, फंड्स की जो कमी होती है, इसके कारण से जो जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी सामने नहीं आती हैं, उनका सीट्स देखना हर साल घटता रहता है, जो सीट है वो ज्यादा नहीं है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पीएचडी में पार्टिसिपेट कर सके, एमफिल में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारी चीजें जो है फंड्स के कारण होती है, फंड्स अवेलेबल नहीं होते जिसके कारण से यू नो यूनिवर्सिटीज या डिपार्टमेंट जो है वो आगे नहीं आ पाती है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। जी तो अब कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, टोटल 15 पॉइंट्स हैं, 11 नंबर पॉइंट अब कर लेते हैं। तो 11 नंबर पॉइंट है पुअर लाइब्रेरी फैसिलिटी एट मेनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ विच रिसर्चर्स हैव टू स्पेंड मच मोर टाइम, मच ऑफ देयर टाइम इन एनर्जी इन ट्रेसिंग आउट द रेलेवेंट मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो जो लाइब्रेरी सिस्टम है हमारे इंडिया का, आपको पता है कि हर कॉलेज में बहुत बेहतरीन नहीं है, बहुत बेहतरीन क्या, बेहतरीन ही नहीं है, जिसके कारण से लोगों को जो है बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी खर्च करना पड़ता है रेलेवेंट मटेरियल को और इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में और उसको ट्रेस करने में, है ना। तो ये एक बहुत ही मेजर इशू है मेरे ख्याल से कि लाइब्रेरी जो फैसिलिटीज है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि लोग जो है ठीक तरीके से काम कर सके और उनका जो टाइम और एनर्जी है वो ज्यादा खर्च ना हो, है ना, और अगर हो भी तो सही चीजों में हो, राइट। 12th नंबर कर लेते हैं, मेनी रिसर्चर इन आवर कंट्री आल्सो फेस द डिफिकल्टी इन ऑफ इनएडिक्वेट कंप्यूटोरियल एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच द रिसर्चर्स हैव टू टेक मोर टाइम फॉर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, है ना। तो बहुत सारे रिसर्चर्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनके पास कंप्यूटोरियल या फिर सेक्रेटरियल असिस्टेंट नहीं होता है, जिसके कारण से उनको रिसर्च करने में जो है बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, जो काम उनका 3 साल में हो सकता था उसके लिए उसको उनको जो है 4 या 5 साल का समय देना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही मेजर इशू बन जाता है, राइट। 13 नंबर पॉइंट है डिलेड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जो डेटा हम देते हैं एज ए रिसर्चर उसका जो पब्लिकेशन है वो भी बहुत डिले से होता है। देयर इज डिफिकल्टी ऑफ टाइमली पब्लिकेशन ऑफ अप टू डेटा, डबल कर दिया यार यहाँ पे, फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज। आपको पता होगा कि इग्नू का एक वेबसाइट है जहाँ पे डेटा को पब्लिश किया जाता है, इग्नू कह रहा हूँ, यूजीसी का एक वेबसाइट है जहाँ पे जो भी रिसर्च डेटा होता है उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। तो ये काम करने में भी कम से कम 2 से 3 समय का समय लग जाता है, एक टाइम लैग हो जाता है, जिसके कारण से जो डेटा लोगों को पहले मिलना चाहिए था वो उनको देर से मिलता है और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी ठीक तरीके से मिल नहीं पाता, है ना। तो जो भी पब्लिश सोर्सेज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो बहुत ही पुरानी और एटलीस्ट 2 से 3 साल का जो है टाइम लैग इसमें लग जाता है उनको अपलोड करने में, उनको जो है पब्लिश करने में, राइट। सोशल रिसर्च स्पेशली मैनेजरियल रिसर्च रिलेट्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर बिहेवियर,
the behavior, the observations, the data collection and the conclusions etc must be valid. यहाँ पे जो बात बोली जाए वो ये है कि जो social research होता है, especially जो managerial research होता है जो कि human beings से related है ना, ये सारी चीजें होती है, ये जो observations है, जो data collection, जो conclusions है, वो सारी चीजें valid होनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे किसी तरह की you know false data यहाँ पे डालोगे या फिर data सही नहीं होगा, तो फिर जो चीजें हैं, जो result है, वो भी ठीक तरीके से आपका निकल के नहीं आएगा. तो ये एक problem भी है जो कि हमारे रिसर्च में रिसर्चर्स को फेस करनी पड़ती है. देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ कंसेप्चुअलाइज ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, है ना. तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो कंसेप्शन है आपका, अगर वो ठीक तरीके से नहीं रहेगा तो आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे. तो एक लैक ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन के कारण जो है ये भी एक बहुत ही बड़ी इशू बन जाती है जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं हमारे इंडिया में. अब करने वाले हम 15वां नंबर पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है इस लेक्चर का. तो अनदर डिफिकल्टी रिसर्च एरिना इज दैट देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द रिसर्चर्स. देखो ये तो बहुत ही मेजर इशू है ना, कि किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है किसी भी रिसर्चर के लिए कि वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उसको सारी चीजों को हैंडल करना होगा. इस चीज को लेकर कि किसी भी तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट हमारे इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है. देयर इज नीड फॉर डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द रिसर्चर्स टू एडुकेट देम अबाउट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्मेशन ईटीसी. जब आप रिसर्च करते हो, जो भी उसका रिजल्ट निकलता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको मेंटेन करके रखना, है ना, जो भी एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए रिसर्च को करना, कोई अनएथिकल काम अपनी रिसर्च में ना करना, ये सारी चीजें जो है कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है. और इंडिया में चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी तरह का डेवलप नहीं किया गया है, जिसके कारण से लोग जो है इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसको ओवरलुक कर जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए यू नो अनएथिकल चीजें भी करते हैं. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक मेजर इशू है जो कि मैंने अभी आपको बताया है डिफिकल्टीज इन बिजनेस रिसर्च में. एक लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ के मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स अ बिजनेस बिजनेस एंटरप्राइज कैन नॉट अवॉइड रिसर्च, स्पेशली इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, है ना. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को होने के बावजूद जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने रिसर्च तरीके को बदल नहीं सकते या रिसर्च को एक तरीके से कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के दुनिया में जो कि बहुत ही तेजी से बदल रही है, रिसर्च का एक अपना महत्व है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें रिसर्च को बढ़ावा देना होगा. Survive in the market in an enterprise is continuously update itself. It has to change its attitudes, approaches, products, technology, etc. through continuous research. तो किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, लगातार लॉन्ग रन में काम करते रहने के लिए उनको खुद को अपडेट करने की जरूरत होती है. यू नो अपने एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत होती है, अपने अप्रोच, अपने प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव लाने की जरूरत रहती है. और वो ये चीज तभी कर पाएंगे जब वो रिसर्च कॉन्टिन्यूस कर पाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेक्चर था. आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा. पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो. बाय, थैंक यू.